हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ जब विंबलडन बन गया एक कॉमेडी शो और मजा इतना आया जितना कपिल शर्मा शो में नहीं आता। ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इस हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में और टाइगर श्रॉफ के डुप्लीकेट के बारे में। जब कोई स्पेक्टेटर देखने वाला बंदा बीच मैदान में आ गया, पहली बार किसी मोटे गेंडे हाथी ने टेनिस खेला, दर्शकों में एक मोटू बंदा जिसे मैं गेंडू बोलूंगा वो हर बार खिलाड़ियों को परेशान कर रहा, यहाँ से मारो पावर शॉट मारो, अपना सारा ज्ञान दिए पड़ा, सुन सुन के प्लेयर्स का दिमाग खराब। अबे बहुत बोल रहा है, आजा आजा इधर इधर, अबे आजा शर्मा मत, अबे बन जा टेनिस का रवि शास्त्री, आजा। Wide or down the middle. And this... प्लेयर्स के बीच में ये गेंडू ऐसा लग रहा था जैसे बॉलीवुड की पार्टीज में रणवीर सिंह। वियर्ड। बॉलीवुड में बाकी सेलिब्रिटीज ना वियर्ड पने को या फैंसी ड्रेस को झेल लेते हैं, इन खिलाड़ियों से झेला नहीं गया, तो ने बोला इधर ये ले ले, ये पहन, ये पहन, ये व्हाइट चड्डी पहन पहन, सिमिलरिटी दिख लीजिए, विंबलडन है मजाक नहीं है, ये ले आजा, ये तो स्कर्ट है। हां तो क्या हुआ, अबे लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं है। अब पोजीशन ले ली बंदे ने, ई बात, अरे मारा गेंडा छुरी से कम थोड़े है। और इसी के साथ ही रही पहली बॉल, खड़ा और गेंडू ने आग बंद करके अपना बल्ला घुमा दिया और धोखे से पड़ भी गई। तुक्का कभी कभी सही निकलता है, लेकिन समझ में आ गया, ऊपर बैठ के ज्ञान देना आसान है, नीचे खेलना मुश्किल होता है। इस तरह के एक्सपर्ट हर फील्ड में होते हैं, चाहे वो गेम हो, ऑफिस हो, आपका घर हो, शादी हो, आपका फ्रेंड सर्कल हो, हर जगह ज्ञान देने वाले लोग पाए जाते हैं। आपने जिम में देखा, जिम में भी ऐसे ज्ञान देने वाले लोग होते हैं, बिना टॉरेंट के पूरा का पूरा ज्ञान डाउनलोड कर देते हैं आपके सर्वर पे। अच्छा मैन इन अ स्कर्ट, चल भाई हो गया तेरा काम हो गया, ये ले अपना मोबाइल पकड़, जाके ऊपर चैट कर, कपड़े तो वापस कर दे भाई गेंडू, चल चल चल, अच्छा स्कर्ट ले ले तेरी है वो, इंजॉय। साथ ही कपिल शर्मा के शो पे इस हफ्ते आए टाइगर श्रॉफ, और जो बेस्ट पार्ट था वो था टाइगर श्रॉफ का डुप्लीकेट आर के आदि है। अबे इसका तो पूरा स्टाइल ही टाइगर जैसा है भाई, मैं पहले से ही ऐसा हूँ। अच्छा हाँ। इसे देखे तो ऐसा लग रहा है जैसे टाइगर को 2 साल से खाने को नहीं मिला और उसको कम से कम 20 दिनों से धूप में खड़ा रखा है। मैं गाजियाबाद से हूँ सर, डासना गाजियाबाद। हाँ गाजियाबाद से। यस कितनी एज है आपकी? मेरी 17+18 सर। अच्छा, ऊपर वाले ने भी कमाल की दुनिया बनाई, टाइगर को बनाने के बाद जो मिट्टी बची उससे इस भाई को बनाया। और मैं सर की मिमिक्री भी करता हूँ, पहले वो करके बताओ। ओके, अबे चुप, एक एक करके बोलो, देखो लड़के घर से भागी ना, और कोई पीटी उषा बनने तो भागी नहीं, जिस लड़के से प्यार करती थी उसी के साथ भागी होगी, शादी करने भागी होगी यार, अगर उसी शादी की परमिशन देते तो भागती क्यों, ठीक है? आपको राके शीना। अबे डांस देख लो, सेम सेम कर रहे हैं। इतनी सिमिलैरिटी, बाप रे, इतनी तो मेरे और सैफ में नहीं है। वाह, लिसन टू मी, ओके, मैं बस बोल सकता हूँ ओ गॉड बेबो ओ गॉश, लेकिन शक्ल नहीं मिलती यार। वैसे इसके पहले भी टाइगर श्रॉफ के डुप्लीकेट्स वायरल हुए हैं और वो लोग नेपाल से थे। वैसे नेपाल में अगर टाइगर श्रॉफ अपनी फैमिली के साथ जाएंगे तो उनकी फैमिली कंफ्यूज हो जाएगी, ये टाइगर वो टाइगर वो टाइगर, बेड़ो हमारा अपना टाइगर कौन है, सारे वहाँ टाइगर जैसे ही दिखते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं किन किन देशों में पाए जाते हैं टाइगर श्रॉफ के डुप्लीकेट्स, जापान, चाइना, म्यांमार, भूटान, थाईलैंड। तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ज्यादा नहीं बोलता हूं मैं क्योंकि मुन्ना की आदत खराब है। मुन्ना झगड़ा नहीं करता, मुन्ना सिर्फ पीटता है।